हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक और न्यू टॉपिक, और वो न्यू टॉपिक है पावर ऑफ अ लेंस। ना सिर्फ ये हमारे चैप्टर का एक नया टॉपिक है, बल्कि ये होने वाला है हमारे चैप्टर का एक आखिरी टॉपिक भी। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक्स को बेटा हम एकदम डिटेल में जा कर के डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। बस एक आखिरी टॉपिक रह गया पढ़ने के लिए, जो हम पढ़ेंगे आज के इस सेशन में, और बस यही तो है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं ना, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज डेफिनेट है और वह है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम एक लेंस की पावर के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, समझेंगे एंड ऑफकोर्स याद भी रखेंगे। ओके चलो बेटा आ जाओ, कहानी हम शुरू करते हैं अपने आज के सेशन की एक न्यू टॉपिक के साथ, एक आखिरी टॉपिक के साथ। अब देखो, ऐसा है कि अब तक कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल ऑलरेडी मतलब आ चुका होगा कि मैम पावर ऑफ अ लेंस का मतलब क्या होता है, मतलब आज के इस लेक्चर में क्या हम एक लेंस की पावर के बारे में बात करेंगे। मतलब प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जो भी पढ़ा है उसको पढ़ करके हमें ऐसा तो नहीं लगा कि किसी लेंस के पास कोई स्पेशल टाइप की पावर होती है जो हमें पढ़नी चाहिए या समझनी चाहिए। देखो बेटा, ऐसा है कि प्रीवियस लेक्चर्स में अब तक मैंने आपको स्फेरिकल लेंसेज की जो भी कहानी समझाई है ना, उसी कहानी में एक लेंस की पावर छुपी हुई है। अब आप बोलोगे कि मैम क्या मतलब हुआ आपकी इस बात का, तो चलो आओ समझाती हूँ कि क्या मतलब हुआ मेरी इस बात का। देखो बेटा, ऐसा है कि इस चैप्टर में हमने दो स्फेरिकल लेंसेज पढ़े हैं। कौन कौन से? एक अपन ने पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस और एक अपन ने पढ़ा है कॉनकेव लेंस, है ना? ये दोनों स्फेरिकल लेंसेज अपन ने पढ़ लिए हैं अपने प्रीवियस सेशंस में। अब अगर दिखने की बात की जाए तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का, है ना? और कॉनकेव लेंस कैसा दिखता है? कुछ इस तरह का, है कि नहीं? बिल्कुल हाँ। अच्छा, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि देखो ये अपना कॉन्वेक्स लेंस है, ये अपना कॉनकेव लेंस है, जरा तुम मुझे ये बताओ कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, इसकी क्या एबिलिटी, इसकी क्या क्षमता है, ये क्या कर सकता है? तो आप बोलोगे कि मैम ये लेंस है ना। मैंने कहा हाँ ये लेंस है। तो आप बोलोगे कि मैम लेंस है तो ये लाइट का रिफ्रैक्शन करवा देगा। मैंने कहा हाँ सही बात है, तुम्हारा आंसर सही है। अब तुमसे मेरा अगला सवाल ये है कि बेटा जरा मुझे ये बताओ कि ये जो कॉनकेव लेंस है ना, इसकी क्या क्षमता है, ये क्या कर सकता है या इसकी क्या एबिलिटी है? तो आप बोलोगे कि मैम अरे ये भी तो एक लेंस ही है ना, तो ये भी क्या करेगा, लाइट का रिफ्रैक्शन ही करवाएगा। तो मैंने कहा हाँ ये भी सही बात है, मतलब देखा जाए तो दोनों ही क्या है बेटा, लेंस ही तो हैं, तो अल्टीमेटली दोनों क्या करेंगे, लाइट का रिफ्रैक्शन ही तो करवाएंगे ना। लेकिन क्या इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? ये भी लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएगा, ये भी लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएगा, बट इनके रिफ्रैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है क्या? डिफरेंस है बेटा, डिफरेंस है, और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप पढ़ चुके हो, आपको पता भी है क्या डिफरेंस है। याद करो, अपन ने पढ़ा है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेस को ना, रिफ्रैक्टेड लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देता है, मिलवा देता है एक कॉमन पॉइंट पर। वहीं ये जो अपना कॉनकेव लेंस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ इसको क्या बोलते हैं? इसे अपन बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्यों बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेस को रिफ्रैक्टेड लाइट रेस को ये डाइवर्ज करवा देता है, फैलवा देता है, ये कन्वर्ज करवा देगा, ये डाइवर्ज करवा देगा,
इसीलिए इसको अपन बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। और बेटा यही तो है इन दोनों ही स्फेरिकल लेंसेज के रिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। दोनों ही लेंसेज है बेटा, दोनों ही क्या करेंगे, लाइट का रिफ्रैक्शन ही करवाएंगे, बट इनके रिफ्रैक्शन के बीच में ये एक मेजर डिफरेंस होता है कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देगा और ये डाइवर्ज करवा देगा। जैसे कि मान लो कि कुछ लाइट रेज आ रही है, कहाँ आ रही है, कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आ रही है। देखो कुछ इस तरीके से बेटा, इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं कॉन्वेक्स लेंस की तरफ, तो जाहिर सी बात है लेंस के अंदर घुसेंगी। अब देखो ऐसा है कि जो लाइट रेज लेंस के अंदर घुसी है बेटा, वो जिंदगी भर लेंस के अंदर नहीं रह जाएंगी कि भैया हमको लेंस के अंदर अच्छा लग रहा है तो हम यहीं रह जाएंगे। नहीं, ये लेंस से बाहर भी निकलेंगी लाइट रेज, एंड ऑफ कोर्स रिफ्रैक्शन खाएंगी, है ना। मतलब ये जो लाइट रेज जो लेंस के अंदर आ रही है ना बेटा, ये लेंस के बाहर निकलेंगी और रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलेंगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट रेज बाहर आएंगी ना, रिफ्रैक्टेड लाइट रेज टू बी मोर स्पेसिफिक, जब लेंस के बाहर आएंगी ना, तो आपको लिटरली बेटा ये दोनों ही रिफ्रैक्टेड रेज कुछ इस तरीके से कन्वर्ज होती हुई नजर आएंगी, मिलती हुई नजर आएंगी। कहाँ मिल रही है, कैसे मिल रही है, सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस सेशंस में। बस थोड़ा सा मैं आपको रीकैप करवा रही हूँ, क्योंकि आज हमें लेंस के पावर का कॉन्सेप्ट समझना है। आज मुझे आपको बताना है कि एक लेंस के पास उसकी क्या पावर होती है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, लाइट रेज अंदर गई, बाहर निकली, ऑब्वियस सी बात है रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकली हैं। तो जरा देखो रिफ्रैक्टेड रेज का क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टेड रेज मिल रही है आकर के एक कॉमन पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ये जो लेंस है ना बेटा, इसने मजबूर करा है, ये कॉन्वेक्स लेंस ने मजबूर कर दिया है कि जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो एक पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो जाए, मिल जाए। ठीक है, तो क्योंकि इसने मजबूर किया है और इसीलिए इसको अपन क्या बोल देते हैं भैया कि तुम क्या हो, तुम तो कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस हो। वहीं अगर हम बात करें कॉन्केव लेंस की, देखो जैसे यहां पर भी क्या हो रहा है, लाइट रेज आ रही हैं लेंस के अंदर आ रही हैं। अब वही वाली बात है कि लाइट रेज आ रही हैं कॉन्केव लेंस के अंदर, यहां पर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आई थी, यहां पर कॉन्केव लेंस के अंदर आ रही है इंसिडेंट लाइट रेज। तो जाहिर सी बात है जिंदगी भर बेटा अंदर तो नहीं बसी रहेंगी, वो बाहर भी निकलेंगी। कैसे बाहर निकलेंगी, रिफ्रैक्ट होकर के बाहर निकलेंगी। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रेज बेटा यहां से बाहर आएंगी ना, वो देखो कुछ इस तरीके से डाइवर्ज होते हुए आपको दिखेंगी। कि लाइट रेज बाहर आई तो रिफ्रैक्शन के बाद, लेकिन वो रिफ्रैक्टेड रेस का हुआ क्या, देखो ना कैसे फैल गई, डाइवर्ज हो गई कि नहीं हो गई, कैसे डाइवर्ज हुई, क्यों डाइवर्ज हुई, सब कुछ मैं आपको समझा चुकी हूँ प्रीवियस सेशंस में, है ना। तो जिस बच्चे ने पिछले लेक्चर्स नहीं लगाए हैं बेटा, जाकर के प्लीज पिछले लेक्चर्स लगा लो, क्योंकि आपको आगे की कहानी तभी बेहतर तरीके से समझ में आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से देखो क्या हुआ है, कॉनकेव लेंस ने एक्चुअली मजबूर कर दिया है लाइट रेस को कि वो डाइवर्ज हो जाए, वो ऐसे फैल जाए। तो लिटरली देखो क्या हुआ, ऐसे फैल गई है रिफ्रैक्टेड रेस, डाइवर्ज हो गई है। तो इसीलिए अपन इसको क्या बोल देते हैं, ये कि ये क्या है, एक डाइवर्जिंग टाइप ऑफ लेंस है। तो ये तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों ही स्फेरिकल लेंसेस के रिफ्रैक्शन के बीच का मैंने आपको एक मेजर डिफरेंस बताया, है ना। और बेटा इस डिफरेंस में क्या है, इस डिफरेंस में ही इन दोनों की पावर छुपी हुई है। तुमसे मेरा पहला सवाल क्या था कि बेटा मुझे ये बताओ कि इसकी क्या क्षमता है, ये क्या कर सकता है, इसकी क्या एबिलिटी है। तो तुमने बोला लेंस है तो लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएगा, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा तुम क्या करो, मॉडिफाई करो, अपडेट करो। तो क्या अपडेट आई, अपडेट ये आई कि मैम ये कॉन्वेक्स लेंस है, लेंस तो है बट कॉन्वेक्स लेंस है। हमने टाइप स्पेसिफाई कर दिया कि मैम ये लेंस तो है बट ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देगा, मजबूर कर देगा रिफ्रैक्टेड रेस को कन्वर्ज होने के लिए। तो मैम ये कन्वर्जिंग लेंस है। एग्जैक्टली, तो ये इसकी एबिलिटी हो गई बेटा, ये इसकी क्षमता हो गई, ये क्या कर सकता है, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेस को, रिफ्रैक्टेड लाइट रेस को कन्वर्ज करवा सकता है, ये इसकी एबिलिटी हो गई, ये इसकी क्षमता हो गई, यानी कि ये इसकी पावर हो गई। जैसे कि मेरी एबिलिटी है
आप मुझसे पूछोगे कि मैम हमें ऐसे समझ में नहीं आ रहा, बेसिक एग्जाम्पल दो, रियल लाइफ एग्जाम्पल दो सो दैट वी कैन रिलेट. तो ठीक है, जैसे अगर तुम मुझसे पूछो कि मैम आपकी क्या शक्ति है, आपकी क्या पावर है, तो मैं बोलूँगी कि यार देखो ऐसा है कि जो मुझे आता है, जो मेरी एबिलिटी है, जो मैं कर सकती हूँ, मैंने उसी को अपनी शक्ति, उसको मैंने अपनी पावर बना लिया. जैसे कि मुझे पढ़ाना आता है, मुझे बच्चों को या बड़ों को भी मुझे समझाना आता है, मुझे पढ़ाना आता है, तो टीचिंग क्या है, मेरी एबिलिटी है. तो उसी को मैंने क्या बना लिया, अपना प्रोफेशन बना लिया, मैंने उसको अपनी पावर बना ली. आई बात समझ में? तो जो एक इंसान के पास जो उसकी क्षमता होती है, जो उसकी एबिलिटी होती है, वही क्या बन सकती है, उसकी शक्ति बन सकती है, उसकी पावर बन सकती है. जैसे कि मान लो कि तुम में से कोई एक बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत अच्छी पेंटिंग ड्राइंग और ये सब बनाता है, मतलब बहुत क्रिएटिव है वो बंदा, तो वो उसकी एबिलिटी है, वो उसकी क्षमता है. क्योंकि देखो जितना हो सकता है कि वो बच्चा क्रिएटिव हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि मैं भी उतनी ही क्रिएटिव हूँ, कि हम दोनों क्या कर रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन कर रहे हैं. पॉसिबिलिटी है कि वो मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छी मतलब पेंटिंग कर पाए, मैं उतनी अच्छी ना कर पाऊँ. ज़रूरी तो नहीं ना बेटा कि हर इंसान इक्वल लेवल का यू नो क्रिएटिव हो. क्रिएटिविटी लेवल सबका अपना अलग अलग होता है, कुछ लोग मजनू भाई भी होते हैं, राइट. तो कहने का मतलब ये है कि एक इंसान के पास जो उसकी क्षमता होती है ना, जो उसकी एबिलिटी होती है, वही उसकी पावर बन जाती है. तो बेटा लेंसेस के केस में भी ऐसा ही होता है. लेंसेस के केस में भी जैसा कि मैंने आपको समझाया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में कि ये क्या कर सकता है, ये लाइट रेस को कन्वर्ज करवा सकता है आफ्टर रिफ्रैक्शन. तो ये इसकी एबिलिटी ना, ये इसकी क्षमता है, तो यही क्या बन जाती है, इसकी पावर बन जाती है. कट टू कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस क्या करता है बेटा, मैं तुमसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ कि इसकी क्या एबिलिटी है. पहला सवाल तुमसे मेरा यही था, नहीं पहला नहीं, दूसरा सवाल तुमसे मेरा यही था कि बताओ ये क्या कर सकता है, इसकी क्या क्षमता. तो तुमने कहा था कि मैम लेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन करवाएगा. मैंने कहा मॉडिफाई करो, अपडेट करो. तो तुमने क्या अपडेट मारा कि मैम लेंस तो है बट कॉन्केव लेंस है, तो ये क्या करेगा, लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करवा देगा, फैलवा देगा. एग्जैक्टली, तो यही इसकी क्षमता है, ये इसकी एबिलिटी हो गई कि ये क्या कर सकता है, ये लाइट रेस को, कॉन्केव लेंस जो है ये क्या कर सकता है कि लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करवा सकता है, फैलवा सकता है. बेटा तो ये इसकी एबिलिटी है, और यही एबिलिटी क्या बन गई है, इसकी पावर बन गई है, इसकी शक्ति बन गई है. मैंने क्या कहा था, मैंने यही तो कहा था ना तुमसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में हमने अभी तक जो भी स्फेरिकल लेंसेस की कहानी पढ़ी है, उसी कहानी में एक लेंस की पावर छुपी हुई है. अब तुम्हें स्टेटमेंट का मतलब समझ में आया? तुम खुद ही बताओ बेटा, अपने दिल पर हाथ रख करके ये बात बोलो कि अभी तक इस सेशन में जो भी तुमको मैंने कुछ पढ़ाया है, क्या तुम्हारे लिए वो एकदम से नया है क्या, कि तुम्हें ये नहीं पता था कि इसको अपन कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, कि तुम्हें ये नहीं पता था कि इसको अपन डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, ये सब तुमको पता था ना. बस तुमको मैंने रिकैप करवाया, और उस रिकैप से मैं तुमको कहां ले गई, एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर लेके चले गई, मैं तुमको एक लेंस की पावर समझाने लगी. तो ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं, बस हम एक अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट्स इट. समझ में आई बात? तो अगर अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि एक लेंस की पावर क्या होती है, एक लेंस की पावर को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो आप बेसिकली आप ये बोल सकते हो ना कि भाई ये एक एबिलिटी होती है लेंस की, कि लाइट रेस को कन्वर्ज करवा दें या डाइवर्ज करवा दें. बेटा ये बहुत ही सिंपल और एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है. सिंपल इसीलिए क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ थ्योरी होती नहीं है, जो तुमने पढ़ा होता है उसी को दोबारा रिपीट करना होता है. और अच्छा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग टॉपिक होता है, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं. अभी तुमको मैं पावर का फॉर्मूला भी बताऊंगी, तो उस फॉर्मूले के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना, वो बड़े ईजी टाइप के बनते हैं, और बहुत मतलब अच्छे से तुमसे बन भी जाएंगे, ईजिली तुमसे बन जाएंगे. आई बात समझ में? तो एक लेंस की पावर को तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो, या खुद कैसे समझ सकते हो कि एक लेंस की जो एबिलिटी होती है लाइट रेस को कन्वर्ज करवाने की या डाइवर्ज करवाने की आफ्टर रिफ्रैक्शन, वही उसकी पावर बन जाती है. भाई अब तक तुमको मैंने यही तो समझाया कि इसकी शक्ति क्या है कि ये लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देता है आफ्टर रिफ्रैक्शन, इसकी शक्ति क्या, इसकी पावर क्या है कि ये लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करवा देता है. तो एक लेंस की पावर क्या होती है, लेंस की पावर का मतलब ये है कि उसकी एबिलिटी कि वो लाइट रेस को या तो कन्वर्ज करवा दे या डाइवर्ज करवा दे आफ्टर रिफ्रैक्शन. आई बात समझ में कि नहीं आई? इजी था? चलो अब अपन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं बेटा, अपन स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है. स्टेप नंबर वन सबको क्लियर हुआ ना कि हम एक लेंस की पावर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अब थोड़ा अपन बात करते हैं कि ज्यादा पावर और कम पावर का मतलब क्या है, और साथ ही साथ अपन
लेंस की पावर और उसकी फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन भी देख लेते हैं। भाई पहली सीढ़ी अपन ने पार कर ली कि हमें यह समझ में आ गया कि एक लेंस की पावर का मतलब होता क्या है। अब अपन अगली सीढ़ी पर स्टेप मतलब कदम रख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा पावर किसी लेंस की, देखो किसी लेंस की पावर का मतलब तुम्हें समझ में आ गया, अब किसी लेंस की ज्यादा पावर या किसी लेंस की कम पावर का मतलब क्या है तुम्हें मैं वो समझाती हूँ। और उसी को समझाते समझाते क्या होगा, पावर लेंस की पावर और उसकी फोकल लेंथ के बीच में हमें रिलेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ना एक काम करते हैं, एक लेंस पर अपन स्टिक हो जाते हैं, मतलब यहां पर हम अभी बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर। ठीक है, यहां पर अपन दोनों लेंसेस को साथ में लेकर के चल रहे थे, अब जो है अपन एक लेंस के ऊपर चिपक जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं, मतलब कॉन्वेक्स लेंस की अभी अपन बात करते हैं। ठीक है, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस भी हमारे पास यहां पर कितने बेटा, दो हैं। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस भी यहां पर हमारे पास दो हैं, कुछ इस तरीके से देखो, एक नहीं रुको, एक ये वाला है, टेढ़ा सा बन रहा है, रुको इसको मैं ठीक से बना दूं, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है, शेप आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि मैम ये थोड़ा सा कम मोटा है, ये ज़्यादा मोटा है, ये ऐसा इसलिए मैंने बनाया है ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि ये दोनों हैं तो कॉन्वेक्स लेंसेज लेकिन दोनों फिर भी अलग अलग हैं। ठीक है, जैसे कि कैडबरी भी मतलब डेयरी मिल्क भी एक चॉकलेट होती है, ठीक है, और फाइव स्टार भी एक चॉकलेट होती है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग होती हैं कि नहीं होती हैं, तो यहाँ पर भी यही है कि हैं तो दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज बट दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड थिकनेस ऑन ऑल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हुआ क्या कि लाइट रेज आई, हम बात करते हैं अभी ये वाले कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, इसके पास लाइट रेज आई है कुछ इस तरीके से। अब देखो बार बार वही बात हम दोहराएंगे नहीं, ये कन्वर्जिंग टाइप ऑफ लेंस है, क्या करेगा लाइट रेज को आफ्टर रिफ्रेक्शन कन्वर्ज करवा देगा। ठीक है, तो हम भी क्या करते हैं एकदम शांति से लाइट रेस को, रिफ्रैक्टेड लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देते हैं लाइक दिस। ठीक है, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, सारे जवाब तुमको ऑलरेडी पता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पर मैं प्रिंसिपल एक्सिस बनाना जो है थोड़ी सी भूल गई हूँ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी बन जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ पर पहले ही बना देती हूँ। ओके ठीक है, तो क्या हुआ, लाइट रेज आई, इंसिडेंट लाइट रेज आई कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, दो बार ही रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट रेज बाहर निकली तो रिफ्रैक्टेड रेज क्या हो गई बेटा, कन्वर्ज हो गई। अच्छा कहाँ कन्वर्ज हुई है, कहाँ मिली है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के एक आप बोल सकते हो कि स्पेसिफिक पॉइंट पे आकर के लाइट रेज कुछ इस तरीके से कन्वर्ज हो गई हैं। ठीक है, तो इस स्पेसिफिक पॉइंट को जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाए कर रहा है इसको अपन पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस बोल सकते हैं, और पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है एक्चुअली, फोकस होता है कि नहीं होता, है ना, सब कुछ पढ़ चुके हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात यहां पर है ही नहीं अपने लिए। तो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आई, पैरेलल मतलब आपस में भी पैरेलल और प्रिंसिपल एक्सिस के भी पैरेलल, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट पे आकर के कन्वर्ज हो गए, और उसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को हमने क्या नाम दिया, फोकस नाम दिया, प्रिंसिपल फोकस नाम दिया अपने लेंस का। ठीक है, इतना समझ में आया। अच्छा हाँ, यहाँ पर यह ऑप्टिकल सेंटर भी होगा बेटा, यहाँ पर ना ऑप्टिकल सेंटर भी होगा। अब तुमको पता है कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बेटा, फोकल लेंथ, जिसको कि अपन स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इतना क्लियर है, चल अब आ जाओ अपने दूसरे लेंस के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं कुछ इस तरीके से, लेंस के अंदर जा रही हैं, वही रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, जो रिफ्रैक्टेड रेज होंगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के स्पेसिफिक पॉइंट पे आकर के ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी लाइक दिस। ठीक है, ये देखो ये ऐसे आ रही हैं लाइट रेज, और कुछ इस तरीके से ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी रिफ्रैक्टेड। ये देखो ये क्या है, ये लेंस से बेटा जो आपको बाहर आते हुए लाइट रेज दिख रही है ना, ये वाली ये है रिफ्रैक्टेड लाइट रेज, और देखो जरा इनका हो क्या रहा है, लेंस से बाहर निकलने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट पे आकर के ऐसे कन्वर्ज हो रही हैं।
तो इसी पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस को अपन क्या बोल देते हैं, फोकस बोल देते हैं, यस और नो। ये बन गया अपना फोकस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब यहां पर बेटा तुम्हारे सामने तुम्हें ये रुको, एक चीज यहां पर मैं थोड़ी सी चेंज करना चाहूंगी कुछ इस तरीके से। तो ये बन गया बेटा अब अपना क्या, फोकस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अब तुम्हारे पास ये दो लेंसेज आ गए हैं, दोनों ही कैसे हैं, कॉन्वेक्स लेंस है जैसा कि मैंने बताया, दोनों में ही तुमको दिख रहा है कि हाँ भाई पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आ रही हैं, रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, यहाँ पर भी फोकस बन रहा है, यहाँ पर भी फोकस बन रहा है, यहाँ पर भी फोकल लेंथ दिख रही है, यहाँ पर भी फोकल लेंथ दिख रही है, लेकिन ज़रा आप मुझे ये बताइए कि क्या इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है। मुझे मत देखो, यहाँ पर जो डायग्राम मैंने आपके सामने ड्रॉ करे ना, इन्हें देखो और इन डायग्राम्स को देख करके बताओ कि क्या कुछ गड़बड़ है, मतलब गड़बड़ तो नहीं है, क्या कुछ डिफरेंस है, क्या कुछ तो होगा डिफरेंस। आप बोलोगे कि मैम नहीं ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा, मैम सेम सेम तो लग रहा है, नहीं सेम नहीं है, ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है, मैं बताती हूँ डिफरेंस है बेटा फोकल लेंथ में। यहां जरा देखो कि फोकल लेंथ ज्यादा है और यहां पर फोकल लेंथ कम है कि नहीं। तो आप बोलोगे कि हाँ मैम ये तो आपने पहले ही बता दिया था ना कि दोनों क्या है, कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, लेकिन दोनों अलग अलग है, जैसे कि डेरी मिल भी चॉकलेट है, फाइव स्टार भी चॉकलेट है, लेकिन फिर भी क्या दोनों अलग अलग है कि नहीं है। तो आपने बताया था कि हाँ भाई दोनों लेंसेज हैं तो कॉन्वेक्स लेंस ही, बट फिर भी अलग अलग है इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ एंड थिकनेस एंड ऑल। हाँ तो मैम अलग तो है, तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ तो अलग आएगी आएगी। एग्जैक्टली यहां पर फोकल लेंथ आपको ज्यादा दिख रही है, यहां पर आपको फोकल लेंथ कम दिख रही है। लिख दूं मैं इस पॉइंट को, फोकल लेंथ ज्यादा है, फोकल लेंथ कम है। अब आप बोलोगे कि मैम फोकल लेंथ ज़्यादा या फोकल लेंथ कम होने का यहाँ पर क्या ही मतलब फर्क पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। नहीं, ऐसा नहीं है, फर्क पड़ेगा। चलो अभी एक काम करो, तुम दो मिनट के लिए फोकल लेंथ वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो तुम भूल जाओ, ठीक है, जो अपन ने डिफरेंस यहाँ पर देखा ना डायग्राम्स में और यहाँ पर, वो भूल जाओ। अब जो मैं बोल रही हूँ उसको समझने की कोशिश करना। लाइट रेज यहां से आ रही है बेटा, कन्वर्ज हो रही है लाइट रेज, कन्वर्ज तो यहां भी हो रही है, लेकिन यहां पर कन्वर्जेंस में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये वाला कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टेड रेज को कन्वर्ज तो करवा रहा है, लेकिन लेंस से थोड़ा दूर जाकर के कन्वर्ज करवा रहा है। देखो कॉन्वेक्स लेंस की पावर क्या होती है, लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रेक्शन कन्वर्ज करवाना। तो ये दोनों ही आपको करते हुए दिख रहे होंगे, लेकिन इस कॉन्वेक्स लेंस को यदि तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको लगेगा, ऐसे अंदर से फील होगा कि हाँ मैम सही बात है, ये करवा तो रहा है रिफ्रैक्टेड रेस को कन्वर्ज, लेकिन थोड़ा लेंस से दूर जा करके। वहीं अगर आप इस वाले कॉन्वेक्स लेंस की बात करोगे तो ये क्या कर रहा है, ये तो भैया लाइट रेस को देखो ना, ये देखो ये आ गई अपनी रिफ्रैक्टेड रेस, ये आ गई रिफ्रैक्टेड रेस, तो ये देखो इनको कन्वर्ज तो करवाना ही था, इसको ऑब्वियस सी बात है इसको कन्वर्ज तो करवाना ही था, लेकिन जरा देखो कितने जल्दी कन्वर्ज करवा दिया। मतलब ये लेंस इतना आप बोल सकते हो कि क्या बोलेंगे उसको, बेचैन है कि भैया लाइट रेज आई हैं, बाहर निकल रही हैं, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रेज को हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी कन्वर्ज करवा देना है, दूर जाने की जरूरत नहीं है, पास में ही क्या करो कन्वर्ज करवा दो। ये देखो ना यहां पर देखो, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस जो है बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है, ये लेंस के ऑप्टिकल सेंटर या ओवरऑल लेंस से देखो कितना पास है। यहां देखो, यहां पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से दूर है, यहां पर पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से देखो कितना नजदीक है, ये देखो, और ये देखो कितना यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है। तो कन्वर्ज तो दोनों ही करवा रहे हैं, लेकिन कन्वर्जेंस में भी डिफरेंस निकल आया। क्या डिफरेंस निकल आया, कि ये लाइट रेस को बहुत, ये वाला जो लेंस है ना कॉन्वेक्स लेंस, ये लाइट रेस को बहुत जल्दी क्या कर रहा है, कन्वर्ज करवा रहा है, ज्यादा दूर नहीं जाने दे रहा कि दूर जाकर के क्या करवाऊंगा, लाइट रेस को कन्वर्ज करवाऊंगा, ये बोलता है नहीं नहीं नहीं, लाइट रेस बाहर निकली है, तुरंत क्या करो, इनको जल्दी से जल्दी कन्वर्ज करवा दो।
और यहां पर क्या हो रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है कि कन्वर्ज तो करवा रहा है लेकिन लाइट रेस को ये लेंस से थोड़ा दूर जाकर के कन्वर्ज करवा रहा है, कन्वर्ज दोनों करवा रहा है लेकिन ये लेंस से दूर करवा रहा है और ये लेंस के बिल्कुल नजदीक ही क्या कर रहा है, लाइट रेस को कन्वर्ज करवा दे रहा है। तो अब जरा मुझे ये बताओ, अब जरा मुझे ये बताओ कि इन दोनों लेंसेज में अगर मैं इनकी पावर की बात करूं तो किसकी पावर ज्यादा होगी? लेंस की पावर का मतलब समझ में आ गया ना, दोनों बेटा कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस हैं, तो दोनों के पास क्या है, लाइट रेस को कन्वर्ज करने की पावर है, लेकिन पावर ज्यादा किसकी है? जो भैया लेंस लाइट रेस को तुरंत ही क्या कर दे, कन्वर्ज करवा दे, कि बिल्कुल धड़ाक से ऐसे लाइट रेस लेंस के बाहर निकली और वहीं के वहीं क्या हो गई, ऐसे कन्वर्ज हो गई, मतलब लेंस से बहुत दूर नहीं जा पाई है रिफ्रैक्टेड रेस और नजदीक में ही क्या हुआ है, आकर के मिल गई है। तो बेटा इसकी पावर ज्यादा हुई कि नहीं हुई? जैसे कि एग्जाम्पल क्या देना चाहिए, जैसे कि मान लो मेरे सामने दो लोग खड़े हैं, ठीक है, और मैंने दोनों को एक एक थप्पड़ लगा दिया, एक को ऐसा थप्पड़ लगाया जिसको देख करके तुम्हें ऐसा लगा भी नहीं कि इसको मैंने मारा होगा, और दूसरे को मैंने इतने ज़ोर से मारा कि वो नीचे गिर गया, मतलब तुमने इम्पैक्ट देखा, ठीक है, तो तुम ऑब्वियसली बात है तुम अंदाज़ा लगा लोगे कि मैम ने ज़्यादा ज़ोर से थप्पड़ किसको मारा। तो यार बेटा यहाँ पर भी तो यही हो रहा है कि ये कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रेस को पकड़ करके तुरंत जो है कन्वर्ज करवा दे रहा है, ज़्यादा दूर जाने नहीं दे रहा, तो इसकी पावर ज़्यादा हुई ना, कन्वर्ज तो ये भी करवा रहा है लेकिन देखो, लेकिन देखो दूर जा करके लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है, लेंस से दूर, उसके ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा दूर है पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, तो इसकी पावर कम है, तो पावर हो गई इसकी कम और इसकी हो गई पावर ज्यादा। क्यों? पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जरा देखो डिस्टेंस कम है, यहां पर डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है लेकिन लेंस से दूर जाकर के कन्वर्ज हो रही है, तो इसकी पावर कम इसकी पावर ज्यादा। अब आपको यह समझ में आएगा कि पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। याद करो अभी अपन ने 2-5 मिनट पहले ही देखा था कि इसकी फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा है और इसकी फोकल लेंथ कम है, इसकी पावर कम है और इसकी पावर ज्यादा है। तो बेटा यहां पर देखो ना, पावर और फोकल लेंथ के बीच में तुम्हें कोई ऐसा रिलेशन नहीं समझ में आ रहा? भाई देखो दिमाग लगाने वाली बात है, कोई कॉन्वेक्स लेंस यदि पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से दूर जाकर के कन्वर्ज करवाएगा तो उसका फोकस कहाँ आएगा? उसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से दूर लाए करेगा ना भाई। कोई कॉन्वेक्स लेंस, मैंने क्या बोला, कोई कॉन्वेक्स लेंस यदि पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से दूर जाकर के कन्वर्ज करवाएगा, यानी कि उसका जो ऑप्टिकल जो फोकस होगा ना वो ऑप्टिकल सेंटर से दूर लाए करेगा, यानी कि उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। भाई यदि फोकस ऑप्टिकल सेंटर से दूर है बेटा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस जिसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं वो ज्यादा होगा कि नहीं होगा? और अगर फोकल लेंथ ज्यादा है, अगर फोकस दूर है ऑप्टिकल सेंटर से किसी कॉन्वेक्स लेंस का, इसका मतलब क्या कि उसकी पावर कम है। क्यों? क्योंकि वो लेंस क्या कर रहा है, लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन दूर जाकर के कन्वर्ज करवा रहा है, और इसका बिल्कुल उल्टा होता है ये वाले दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस के साथ। यहां क्या हो रहा है, जरा ध्यान लगाकर के अगर देखोगे तो यहां आपको पता चलेगा कि ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है बेटा। कहने को तो ये भी क्या कर रहा है, ये वाला कॉन्वेक्स लेंस भी क्या कर रहा है, कन्वर्ज करवा रहा है, लेकिन बिल्कुल लेंस के बाहर निकल करके क्या हुआ है, लाइट रेज ऐसे कन्वर्ज हो गई है, यानी कि यहां पर जो फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, इस वाले लेंस का जो फोकस और जो ऑप्टिकल सेंटर है, इनके बीच का देखो ना डिस्टेंस कितना काफी कम है, फोकल लेंथ बहुत छोटी। फोकल लेंथ बेटा छोटी होने का मतलब क्या है, मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ छोटी होने का मतलब क्या? आप बोलोगे कि मैम फोकल लेंथ छोटी होने का मतलब यह है कि फोकस ऑप्टिकल सेंटर से नजदीक है। फोकस ऑप्टिकल सेंटर से नजदीक क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसा लेंस है जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस से बहुत नजदीक पर क्या करता है, लाइट रेस को कन्वर्ज करवा देता है, ज्यादा दूर जाने ही नहीं देता।
तो अगर हम बोल रहे हैं कि एक ऐसा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज को आफ्टर रिफ्रेक्शन बहुत जल्दी क्या करता है, कन्वर्ज करवा देता है, इसका मतलब क्या कि उसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा दूर नहीं होगा, उसका फोकस ऑप्टिकल सेंटर से ज्यादा दूर नहीं होगा, यानी कि फोकल लेंथ कम होगी। और अगर फोकल लेंथ कम है इसका मतलब पावर ज्यादा हो गया ना, अरे शक्ति ज्यादा है, पावर ज्यादा है का मतलब क्या है कि लाइट रेज जैसे ही निकली लेंस से पार वो तुरंत क्या हो गई, कन्वर्ज हो गई, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा। आई बात समझ में? तो फोकल लेंथ यहां पर ज्यादा है यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस की, बेटा अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, ठीक है ना, कॉनकेव को मत ले आना बीच में। तो जब अपन बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है यानी कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस लेंस से दूर है, यानी कि लेंस ने क्या करा है, लाइट रेस को दूर जाकर के कन्वर्ज करवाया, मतलब उसकी पावर कम है। और यदि हम बोल रहे हैं कि किसी लेंस कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम है, इसका मतलब क्या, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में डिस्टेंस कम है। डिस्टेंस कम है का मतलब क्या है, जो लेंस है उसने लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन जल्दी ही कन्वर्ज करवा दिया है ना। अरे फोकल लेंथ कम है, डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस क्या है, कम है। कम मतलब क्या कि जल्दी से क्या हुआ है, लाइट रेस कन्वर्ज हो गई है, मतलब पावर ज्यादा है, खत्म। और यहीं से बेटा हमें एक रिलेशन मिल जाता है पावर और लेंस की फोकल लेंथ के बीच में कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि पावर इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ। कि जिस, अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस की, तो जिस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी कम उसकी पावर होगी ज्यादा, और जिस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ होगी ज्यादा उसकी पावर होगी कम। तो दूसरी सीढ़ी भी बेटा अपन ने चढ़ ली है। आई बात समझ? पहली सीढ़ी क्या थी, पहली स्टेप क्या थी, लेंस की पावर समझना। दूसरी सीढ़ी अपन ने क्या रखी कि हमें यह समझ में आ जाए कि भाई पावर कम या ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, और पावर और फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। अब क्योंकि अपन ने कॉन्वेक्स लेंस की बात करी है, तो आ जाओ कॉनकेव को भी अपन देख ही लेते हैं, उसको अपन क्यों छोड़े। आ जाओ, अब बेटा अपने पास कॉनकेव लेंस है और दो हैं तो दोनों कॉनकेव लेकिन अलग अलग हैं, ठीक है। ये हो गया एक कॉनकेव लेंस, ये हो गया दूसरा कॉनकेव लेंस, ठीक है, एक डेरी मिल्क और एक फाइव स्टार। चलो प्रिंसिपल एक्सेस बना देते हैं, ये थोड़ा ऊपर बन गया ना, इसको नीचे कर देते हैं। आ जाओ लाइक दिस, ओके। ऑप्टिकल सेंटर ये हो गया, ऑप्टिकल सेंटर इसका ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, पैरेलल बेटा इंसिडेंट लाइट रेज आ रही है इसके पास, ये वाले कॉनकेव लेंस के पास। सबको पता है क्या होगा, लाइट रेज डाइवर्ज हो जाएंगी कुछ इस तरीके से। अब तुमको पता है कि जो डाइवर्जिंग रेज है बेटा वो कभी भी मिलती तो है नहीं, है ना, डाइवर्जिंग रेज बेटा वो तो फैल गई ना, तो अब फैली हुई को तुम क्या मिलवाओगे, तो वो तो कभी नहीं मिलेंगी। तो लेकिन मिलाने के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं, और जहां मिलती हैं वहीं पर हम बोलते हैं कि देखो क्या हुआ है, फोकस बन गया है, कि ऐसा लगेगा कि मानो जो डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाले पॉइंट से क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो इनको अपन क्या करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाते हैं, इनको अपन पीछे की तरफ इस तरीके से एक्सटेंड करवाते हैं। तो देखो जहां पर ये डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज हमें डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज जहां पर हमें ऐसी लग रहा है कि देखो मिल रही हैं, वहीं पर क्या बन जाएगा, इसका फोकस बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो बेटा फोकस बन गया, ठीक है, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर है। बेटा अपन इस लेंस की बात कर रहे हैं ना, पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज आई है, डाइवर्ज हो गई है, लेकिन फोकस ऑब्टेन करना है तो क्या करेंगे, इन डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाएंगे। ऐसा लगेगा कि कहां मिल रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के कॉमन पॉइंट पर मिल रही है, जहां पर मिलेंगे उसको अपन क्या बोल देंगे, इसका प्रिंसिपल फोकस बोल देंगे। तो ऐसा लगेगा कि मानो ये फोकस से मिल करके क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस हो उसको अपन क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। ये हो गई फोकल लेंथ, क्लियर हुआ। चलो अब यहां पर भी लाइट रेज आ गई है कुछ इस तरीके से, देखो यहां पे लाइट रेज आ गई है कुछ इस तरीके से, पैरेलल एक दूसरे के साथ भी और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ भी है, लेंस के अंदर गई है कॉनकेव लेंस के अंदर। तो क्या होगा, कॉनकेव लेंस के अंदर यदि बेटा ये पैरेलल इंसिडेंट लाइट रेज जाएंगी बाहर निकलेंगी, तो अरे तो फिर से क्या होगा,
डाइवर्ज होकर के निकलेंगी ना बाहर, ये देखो ये ऐसे हो गई डाइवर्ज, ये दिख रही है तुमको दोनों डाइवर्जिंग रेज, एक ये वाली और एक ये वाली, तो दोनों ही कॉनकेव लेंस हैं, दोनों ही क्या करते हैं, इनकी एबिलिटी क्या है, लाइट रेज को डाइवर्ज करवाना आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो करवा तो दिया। अब वही वाली बात है कि यहां पर भी डाइवर्जिंग रेज ऐसे मिलने तो वाली नहीं है, तो इनको पीछे खींच के लाना पड़ेगा, और जहां पर मिलेंगी वहीं बनेगा क्या इसका प्रिंसिपल फोकस। आ जाओ इनको खींच के लेके आते हैं अपन दोनों को लाइक दिस। रुको मैं थोड़ा सा अपने डायग्राम को बेटा चेंज करना चाहूंगी ताकि कुछ इस तरीके से लाइक दिस। ये देखो इन दोनों ही डाइवर्जिंग रेस को अपन पीछे की तरफ खींच के लेके आए 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 आए, और ऐसा लगा कि देखो यहाँ पर दोनों डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज लेंस के पीछे, मतलब सेम साइड पर जहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ ना बेटा लेंस के सामने, उसी साइड पर ऐसा लग रहा है कि मानो दोनों ही डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रेज क्या हो रही हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के इस पॉइंट पर आकर के कन्वर्ज हो रही हैं। ये ऐसा लग रहा है कि मानो इसी पॉइंट से क्या हो रहा है, निकल करके लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो इस पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कुछ भी बोलो बेटा, इस पॉइंट को तुम क्या बोलोगे, अरे इसका प्रिंसिपल फोकस बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बस तो फिर बोलो ना, ये क्या हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलेंगे, वो फोकल लेंथ बोलेंगे, तो ये आ गई तुम्हारे पास फोकल लेंथ। तो दो अपने पास कॉनकेव लेंस थे, एक ये, दोनों ही क्या करते हैं बेटा लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करवाएंगे, इसने भी करवा दिया लाइट रेस को डाइवर्ज, इसने भी करवा दिया, डाइवर्जिंग रेस कभी मिलती तो है नहीं, तो हमने क्या करा डाइवर्जिंग रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया, जहां पर मिली ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस उसी को अपन ने क्या नाम दे दिया कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल, मतलब उस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया कॉनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस उसको अपन ने क्या नाम दिया फोकल लेंथ। यहां पर भी देखो वही हुआ, डाइवर्जिंग रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करवाया, प्रिंसिपल एक्सिस के ये वाले पॉइंट पर आकर के दोनों मिल गई हैं, है ना, अरे फोकस आ गया ना, इसका फोकस आ गया, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का देखो डिस्टेंस आ गया, ये फोकल लेंथ। अब जरा मुझे ये बताओ कि दोनों में कोई डिफरेंस है भाई, यहां भी कॉनकेव लेंस वहां भी कॉनकेव लेंस, यहां भी डाइवर्जन मतलब डाइवर्जिंग रेज दिख रही है तुमको, वहां पर भी आफ्टर रिफ्रैक्शन तुमको डाइवर्जिंग लाइट रेज दिख रही है, लेकिन क्या यहां पर डाइवर्जेंस में कोई डिफरेंस है क्या, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में कन्वर्जेंस में क्या था डिफरेंस था, यहां पर डाइवर्जेंस में तुमको डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप बोलोगे कि हाँ मैम नजर आ रहा है, अब तो आना चाहिए बेटा है, अब तो आना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में कैसे डिफरेंस निकालना होता है वो तुमको मैंने बताया, तो यहां पर भी तुमको आना चाहिए, आप बोलोगे कि मैम आ रहा है नजर, कैसे आ रहा है मैम डाइवर्ज तो ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, लेकिन ये वाला जो लेंस है ना ये कुछ जरूरत से ज्यादा ही डाइवर्ज कर दे रहा है लाइट रेस को, मतलब कि लाइट रेस बाहर निकली नहीं लेंस के, कि बिल्कुल उसने क्या करा रिफ्रैक्टेड रेस को ऐसे जोर से फैला दिया, देखो ना ये देखो जैसे ही लाइट रेस ऐसे बाहर निकली ये देखो कैसी फैल गई है रिफ्रैक्टेड लाइट रेस, ये देखो कुछ इस तरीके से डाइवर्जेंस बेटा यहां भी है, लेकिन अगर तुम दोनों ही डायग्राम्स को ध्यान से देखो क्योंकि तुमको ये समझ में आएगा रियलाइज होगा कि मैम यहां पर डाइवर्जेंस कुछ ज्यादा ही है, देखो ना कैसे फैल गई है डाइवर्जिंग रेस रिफ्रैक्टेड रेस कैसे डाइवर्ज हो गई है, यहां पर भी डाइवर्ज हो रही है लेकिन थोड़े मतलब तरीके से हो रही है, तुम कहां चले गए, हाँ यहां पर भी रिफ्रैक्टेड रेस हो तो रही है डाइवर्ज लेकिन थोड़ा आप बोल सकते हो कि आराम से हो रही है, धीरे 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 फैल रही है, यहां देखो यहां पर तो बिल्कुल ही फैल गई कि लो पसर गए हम, डाइवर्जेंस ज्यादा है यहां पर कम है, इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है बेटा, एक कॉनकेव लेंस की क्या क्षमता होती है, उसकी क्या एबिलिटी उसकी क्या पावर होती है कि वो लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करवा देता है कि नहीं करवा देता, तो दोनों के ही पास बेटा दोनों क्या है कॉनकेव लेंस ही तो है, तो दोनों के पास क्या एबिलिटी है क्या पावर है कि दोनों लाइट रेस को आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज करवा देंगे, लेकिन दोनों में एबिलिटी ज्यादा किसकी है पावर ज्यादा किसकी है इस वाले लेंस की, क्यों, क्योंकि ये बहुत जल्द ही क्या कर रहा है बेटा लाइट रेस को डाइवर्ज करवा रहा है, ये थोड़े दूर जाकर के लाइट रेस को डाइवर्ज करवा रहा है, ये देखो ना लाइट रेस ऐसे आई और बिल्कुल ऐसे फैल गई, यहां देखो क्या हुआ,
यहाँ पर लाइट रेज आ रही है, आ रही है, आफ्टर रिफ्रेक्शन क्या हो रहा है, धीरे धीरे लाइट रेज ऐसे डाइवर्ज हो रही है. तो डाइवर्जिंग ये भी है, ये भी है, लेकिन इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है और इसकी पावर कम है. क्योंकि ज्यादा जो डाइवर्जेंस यहां पर देखने को मिल रहा है ना लाइट रेज में, वो इस लेंस के कारण दिख रहा है, यहां पर कम है. तो पावर इसकी ज्यादा और इसकी कम. पावर समझ में आया? अब जरा फोकल लेंथ के ऊपर बात करते हैं. यहां पर देखो बेटा, इस लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, जिसको अपन फोकल लेंथ बोलते हैं, कितना ज्यादा है, देखो ना कितना ज्यादा है. और यहां पर देखो फोकल लेंथ कितनी छोटी है. इसका मतलब क्या? इस लेंस की क्योंकि पावर ज्यादा है तो इसकी फोकल लेंथ कम हो गई, और क्योंकि इस लेंस की पावर कम है तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा हो गई. यही तो तुमको रिलेशन मैंने यहां भी समझाया था कि यदि किसी लेंस की, जैसे कि यहां पर हमने बात करी थी कॉन्वेक्स लेंस की, तो हम बोलेंगे कि भाई यदि किसी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कम है, फोकल लेंथ कम है तो उसकी पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ ज्यादा तो उसकी पावर कम होगी. और अब अपन बात कर रहे हैं कॉनकेव लेंस के लिए कि अगर तो किसी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है तो उसकी पावर कम है, कि डाइवर्ज तो करवाएगा लेकिन दूर जाकर के डाइवर्ज करवाएगा, और अगर किसी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कम है तो वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम डिस्टेंस पे क्या करेगा, लाइट रेस को डाइवर्ज करवा देगा, यानी कि पावर ज्यादा हो जाएगी. तो ये रिलेशन बेटा मिल गया तुमको पावर, लेंस की पावर और फोकल लेंथ के बीच में. यही फॉर्मूला है. तो तुमसे मैंने कहा था ना कि यहां पर तुमको मैं फॉर्मूला भी बताऊंगी, तो वो क्या है फॉर्मूला, वो यही. आप बोलोगे कि मैम इतू सा, हाँ इतू सा, मतलब फॉर्मूला भी यही है और फॉर्मूले से हमको रिलेशन भी हम डिकोड कर लेते हैं कि अच्छा एक लेंस की पावर और उसकी फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. दैट्स इट. ठीक है, अब पावर की बेटा ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की ऐसा यूनिट होती है, पावर ऑफ अ लेंस की हम बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना. नाइन्थ में तुम लोगों ने वर्क पावर और एनर्जी में भी पढ़ा होगा, वो वाली पावर की यहां पर बात नहीं हो रही है. ठीक है, लेंस जब अपन पावर की बात करते हैं बेटा, तो इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर. क्या होती है? डायोप्टर, जिसको कि अपन कैपिटल डी से डिनोट करते हैं. ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है पावर का? पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ. ठीक है, जहां पे पावर को आपको लेके आना होता है डायोप्टर में, और फोकल लेंथ को आप रखते हो मीटर्स में. किस में? मीटर्स में. मतलब कि मानो कि ऐसा सवाल आया है कि भाई एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ जो है इतनी इतनी है और सेंटीमीटर में है, तो तुम्हें उसकी पावर निकालनी है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो उस फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर इस फॉर्मूले में तुम रखोगे यानी कि 1/फोकल लेंथ करोगे इन मीटर्स, और फिर तुम्हारा क्या आएगा, उस लेंस की पावर आएगी इन डायोप्टर. सवाल ऐसा आ जाता है कि डिफाइन 1 डायोप्टर पावर. 1 डायोप्टर पावर को आप कैसे डिफाइन करोगे? तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एक ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है, उस लेंस की पावर क्या होगी, इज सेट टू बी, या 1 डायोप्टर पावर ऑफ अ लेंस इज सेट टू बी ऑफ दैट यू नो लेंस जिसकी फोकल लेंथ क्या होगी, 1 मीटर. समझे? तो 1 मीटर फोकल लेंथ वाले लेंस की पावर होगी 1 डायोप्टर. सवाल बेटा आता है डिफाइन 1 डायोप्टर पावर, इसलिए लिखवा रही हूं. ठीक है, तो ध्यान रखना कि ऐसे यूनिट क्या होती है इसकी, डायोप्टर, कैपिटल डी से अपन इसको डिनोट करते हैं. रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ. पावर आप निकालते हो डायोप्टर में, और फोकल लेंथ को आप कहाँ रखते हो, मीटर्स में रखते हो. मतलब किस में रखते हो, मीटर्स में रखते हो. अच्छा हाँ, कभी कभी मान लो कि आपको पावर जो है सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है, तो आप सॉरी पावर नहीं, फोकल लेंथ यदि आपको सेंटीमीटर्स में यदि दी हुई है, तो आप इसका एक और फॉर्म है वो भी याद कर सकते हो कि पावर इज इक्वल्स टू 100/फोकल लेंथ. आप बोलोगे कि मैम फॉर्मूला ये है कि वो है या ये है, सुनो मेरी बात बेटा, फॉर्मूला तो यही है कि पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ. पावर को क्योंकि हमें डायोप्टर में ही निकालना होता है, क्योंकि पावर की ऐसे यूनिट क्या होती है, डायोप्टर, तो इसको डायोप्टर में निकालने के लिए हमको फोकल लेंथ को मीटर्स में रखना होता है.
लेकिन अगर मान लो कि सेंटीमीटर में दी हुई है फोकल लेंथ, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ये वाला रिलेशन इस्तेमाल कर सकते हो कि पावर इज इक्वल टू 100 अपॉन फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो बेटा अब एक काम करते हैं, थ्योरी तो अपन ने चलो पढ़ ली है, एक बार जो स्लाइड्स पे लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, लेकिन फिर इसके बाद में अपन को ना क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, क्योंकि क्वेश्चन से ही क्या होता है आप बोल सकते हो कि क्लैरिटी मिलती है। देखो, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज या डाइवर्ज अ बीम ऑफ लाइट रेज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पावर, कि एक लेंस की जो एबिलिटी होती है लाइट रेज को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की क्या कहलाती है, उसकी पावर कहलाती है। द पावर ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रेज डिपेंड्स ऑन इट्स फोकल लेंथ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्वेक्स लेंस, इसकी फोकल लेंथ छोटी है, बेंड्स द लाइट रेज थ्रू लार्ज एंगल्स बाय फोकसिंग देम क्लोजर टू द ऑप्टिकल सेंटर, की एक कॉन्वेक्स लेंस जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि उसकी पावर ज्यादा है, वो क्या करेगा, लाइट रेस को बेंड करवा देगा, कन्वर्ज करवा देगा, है ना, एट लार्ज एंगल्स, ताकि जो कन्वर्जेंस है वो कहां हो, ऑप्टिकल सेंटर के नजदीक ही हो, मतलब उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, छोटी हो जाएगी, है ना। ये देखो यहां पर आप देख सकते हो कि ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी कॉन्वेक्स लेंस है, कन्वर्जेंस यहां भी है लेकिन यहां भी है, लेकिन इस लेंस ने क्या करा है, सॉरी ये वाले लेंस ने क्या करा है, लाइट रेस को ज्यादा बड़े एंगल पर बेंड करवा दिया है। देखो लाइट का ओरिजिनल पाथ क्या था बेटा, लाइट का ओरिजिनल पाथ ये था, लाइट को जाना कहाँ था, ऐसे जाना था, लेकिन क्योंकि लेंस आ गया सामने, वो भी कौन सा कॉन्वेक्स, तो इसने क्या करा, इसने जो है लाइट रेस को बेंड करवा दिया टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेंडिंग जो हुई है, बेंडिंग जो हुई है वो ज्यादा एंगल पर हुई है, ठीक है, बेंडिंग तो बेटा देखो यहां पर भी हुई है, लेकिन यहां पर देखो एंगल छोटे बनेंगे क्योंकि पावर कम है ना, इसकी पावर कम है, तो ये लाइट रेस को बेंड करवाएगा बट स्मॉलर एंगल्स पर, कन्वर्जेंस जो होगा ना वो ऑप्टिकल सेंटर से दूर होगा, यहाँ पर जो बेंडिंग होगी वो ज़्यादा एंगल्स पर होगी, मतलब ज़्यादा एंगल पर बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएंगी लाइट रेज, जिससे कि जो कन्वर्जेंस है वो कहाँ हो रहा है, लेंस से ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं हो रहा है, पास में ही हो जा रहा है, ठीक है। चलो फिर उसके बाद में हम कहाँ थे, ओके नाउ सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ अ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ causes higher divergence than the one with longer focal length, जिसकी focal length कम होती है concave lens की वो ज़्यादा divergence cause करेगा as compared to the one जिसकी focal length ज़्यादा होगी। The degree of convergence or divergence of the light rays achieved by a lens is expressed in terms of its power, कि कितने degrees पर जो है ना convergence हुआ या divergence करवाया lens ने, उसको ही हम बोलते हैं क्या, लेंस की पावर बोलते हैं, ठीक है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, इफ एफ इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर्स देन पावर इज एक्सप्रेस्ड इन डायोप्टर्स, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना होगा। द एसेंट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर, इट इज नोटेड बाय कैपिटल डी, द डायोप्टर वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, है ना, वन डायोप्टर पावर उस लेंस की जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव, अच्छा हाँ अब देखो सीधी सी बात है, हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है बेटा इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अरे भाई कॉन्वेक्स लेंस का फोकस कहाँ बनता है, देखो ना कॉन्वेक्स लेंस का फोकस बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो जो फोकल लेंथ है वो अपन कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना, तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉनकेव की नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इसका फोकस बनता है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है फोकल लेंथ, वो आप कहाँ से नापोगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से नापोगे, तो फोकल लेंथ बेटा नेगेटिव आएगी, है ना। तो ये बात अपन को पहले से पता है, अपन साइन कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, तो हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, जिसके कारण कॉन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव में आएगी हमेशा और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव में आएगी। कभी कभी सवाल ऐसे भी आ जाते हैं जहां पर आपको लेंस की फोकल लेंथ ही होती है, आपको उसकी पावर निकालनी होती है और फिर आपको बताना भी होता है कि बताओ कौन सा लेंस है, तो आप क्या करोगे भाई, फोकल लेंथ जहां आपको दिखी नेगेटिव, मतलब समझना क्या होगा, कॉनकेव लेंथ है ना, उसकी पावर क्या, पावर भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। और अगर मान लो कि सवाल में ऐसा कोई लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव में दी है, इसका मतलब समझना कि वो कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस होगा, तो उसकी पावर भी क्या आएगी, पॉजिटिव में ही आएगी, ठीक है। चलो अब एक और चीज़ यहाँ पर तुम्हें मुझे और समझानी है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चंस पर आ जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 लेंसेज को हम साथ में रख देते हैं, तो उसे हम लेंसेज का कॉम्बिनेशन या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज हम बोलते हैं, और कभी कभी हमें उस कॉम्बिनेशन की भी पावर निकालनी होती है। जैसे कि हमने 2 कॉन्वेक्स लेंसेज को ऐसे साथ में रख दिया है, ठीक है, मान लो कि इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर
और इसकी भी कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और तुमसे मैंने बोला कि बेटा इस कॉम्बिनेशन का, इस कॉम्बिनेशन का आप वो निकालो, पावर निकालो। तो अब यहाँ पर बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैम हमको पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ, ठीक है। अगर यहाँ पर एक लेंस होता तो हम क्या करते, फोकल लेंथ के थ्रू उसकी पावर निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो लेंसेज है जिनको कि कॉम्बिनेशन में रखा हुआ है, साथ में रखा हुआ है, और हमें इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे सबसे पहले इन दोनों की ही फोकल लेंस को ऐड कर देंगे, और फिर हम क्या निकालेंगे, पावर निकालेंगे। तो बेटा अगर आपने इन दोनों की फोकल लेंथ को ऐड कर दिया तो टोटल फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी इस कॉम्बिनेशन की, 10+10 यानी कि ये तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 20 सेंटीमीटर से फिर तुम क्या करोगे, अगर पावर निकालने की कोशिश करोगे तो कितनी आएगी, 5 डायोप्टर आएगी। आई बात समझ में? लेकिन बेटा ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि पावर और लेंस की पावर और उसके फोकल लेंथ के बीच में क्या रिलेशन होता है, कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो पावर ज्यादा होगी। बेटा यहां पर हमने साइड बाय साइड दो कॉन्वेक्स लेंसेज लगा के रखे हुए हैं, दो कॉन्वेक्स लेंसेज, यानी कि आप तो ऐसा समझ लो कि लाइट रे अगर यहां आएगी इस कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ठीक है, तो क्या होगी, कन्वर्ज होकर के बाहर निकलेगी, और फिर वही कन्वर्जिंग लाइट रेज दूसरे लेंस के अंदर जाएंगी, है ना, वही कन्वर्जिंग लाइट रेज दूसरे लेंस के अंदर जाएंगी, और जब ये बाहर निकलेंगी तो और क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। यानी कि आपने दो ऐसे लेंसेज जो लाइट रेज को कन्वर्ज करने में माहिर होते हैं उनको आपने साथ में रखा हुआ है, तो जो भी लाइट रेज उन दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज के अंदर से होकर के गुजरेंगी बेटा, वो तो कितने जल्दी क्या होंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी। यानी कि इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो छोटी आनी चाहिए ना बेटा, फोकल लेंथ छोटी आनी चाहिए। तुमने क्या करा, तुमने तो फोकल लेंथ बढ़ा दी है, क्योंकि तुमको पता है कि दोनों लेंसेज कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं, दोनों की क्या क्षमता होती है कि वो लाइट रेज को कन्वर्ज करवा देते हैं। तो अगर दोनों ऐसे कन्वर्जिंग लेंसेज को हम साथ में रखेंगे बेटा, तो ये लाइट रेज को कितना ज्यादा कन्वर्ज करवा देंगे, एट सच हायर एंगल्स। तो पावर इनकी इस कॉम्बिनेशन की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो अगर पावर कॉम्बिनेशन की ज्यादा होगी तो फोकल लेंथ को कम होना चाहिए ना, यहां पर तुम फोकल लेंथ बढ़ा रहे हो बेटा। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यह करना पड़ेगा कि तुम्हें पहले इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालनी पड़ेगी, और फिर इसके बाद में कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए तुम क्या करोगे, P1+P2 करोगे, कि मान लो कि इस लेंस की पावर आई है P1, इसकी निकालोगे P2, और फिर क्या करोगे कॉम्बिनेशन निकालने के लिए, कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए तुम इसको ऐड करोगे। कृपा करके अलग अलग मत करना कि पहले फोकल लेंथ को ऐड कर दिया फिर पावर निकालनी, नहीं, इंडिविजुअल पहले लेंसेज की पावर निकालना और फिर ऐड करना पावर को, ताकि पावर ज्यादा आए तब जाकर के बेटा कॉम्बिनेशन का कोई मतलब होगा, वरना हम पागल है क्योंकि दो लेंसेज को से साथ में चिपका के रख दिया है। अरे साथ में लगाने का मतलब क्या है कि पावर बढ़ जाए, तो पावर बढ़ाने के लिए फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा, बढ़ा मत देना फोकल लेंथ को ऐड करके। आई बात समझ में? अभी ऐसा सवाल भी आएगा तुम्हें पता चलेगा, अभी रुको। चलो अब अपन सीधे आते हैं बेटा कहाँ, अपने क्वेश्चंस के ऊपर। पहला सवाल, नहीं ये वाला नहीं, तुम एक काम करो, तुम पहले ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, इजी है ये वाला। अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, वॉज वॉट इज इट्स पावर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी हुई है, बताइए भाई इसकी पावर क्या होगी। अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास दो तरीके हैं, फॉर्मूला एक ही लगेगा कि पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। अब या तो तुम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर तुम ये भी लगा सकते हो, मतलब फॉर्मूला एक ही है, उसके रूप अलग अलग हैं, लाइक दिस, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, या तो तुम फोकल लेंथ को पहले जो यहाँ पे सेंटीमीटर में दी हुई है उसको तुम मीटर्स में कन्वर्ट करो, मीटर में कन्वर्ट करके यहाँ रखो, या फिर तुम ये वाला लगा दो, ये वाला रूप अपना लो कि बिना फोकल लेंथ को, मतलब सेंटीमीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में ही रखो, लेकिन न्यूमरेटर में 100 रख दो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारी जो फोकल लेंथ है ना बेटा, वो मीटर्स में ही कन्वर्ट होकर के पावर निकल आएगी लेंस की। तो जैसी तुम्हारी इच्छा, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, अगर तुम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फिर ये वाला तरीका अपनाना, या अगर तुम सोचते हो कि नहीं मैम हम क्यों कन्वर्ट करें, हम तो आलस हैं,
आलसी है मतलब, है ना, हमें आलस आ रहा है, तो तुम एक काम कर सकते हो, तुम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं हूँ आलसी तो मैं तो यही तरीका अपनाती हूँ, ठीक है। मुझे पावर निकालने के लिए बोली गई तो मैं क्या करूँगी, वन अपॉन फोकल लेंथ कर दूँगी, फोकल लेंथ इज गिवन इन सेंटीमीटर्स, मीटर्स में कन्वर्ट करना मुझे पसंद नहीं, तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर मैं लगा दूँगी 100/f वाला तरीका, ठीक है। तो अब मैं रख दूंगी क्या डिनोमिनेटर में फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर्स, कितनी दी हुई है 10, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 10, नीचे का 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा, बचेगा कितना 10, तो ये आ गई बेटा लेंस की पावर कितनी 10 डायोप्टर, नेगेटिव पॉजिटिव पावर। बेटा हमेशा साइन लगा देना फोकल लेंथ में, एक बार हम फिर भी जो है ना नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाना, नहीं लगाते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, बट पावर तुम जब भी किसी लेंस की निकालोगे मेक श्योर कि उसमें तुम साइन ज़रूर मेंशन करो कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कभी अगर तुम अपने घर में या खुद के लिए किसी आई स्पेशलिस्ट के पास गए हो चश्मा बनाने के लिए, नंबर वाला चश्मा बनवाने के लिए, तो तुमने देखना डॉक्टर भी तुम्हारे कार्ड के ऊपर जो भी तुम्हारे चश्मे का नंबर होता है, ठीक है, उसके पावर जो लिखते हैं ना उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन ज़रूर लगाते हैं। बेटा जब वो नहीं लगा, मतलब वो नहीं लगाना भूल रहे हैं, तो तुम कौन होते हो भूलने वाले, ठीक है। तो जब भी तुम किसी भी लेंस की पावर निकालते हो मेक श्योर कि उसके साथ उसका रेस्पेक्टिव साइन लगा हुआ हो। यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो जाहिर सी बात है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, तो उसकी जो पावर है वो भी पॉजिटिव में ही आएगी। कितनी आ गई पावर, +10 डायोप्टर। आई बात समझ में? तो कुछ इस तरीके से आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बहुत ही बेसिक ईजी सा सवाल था ये, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। आइए तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबसे पहले लेंथ वो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया गया, और फिर इसके बाद में रख दिया पावर इज इक्वल्स टू 1/f के फॉर्मूला में 1/0.10 कर दिया। तो बेटा बात तो वही हुई ना, डेसिमल हटाओगे ऊपर आ जाएंगे 2 0, नीचे का एक ऊपर के 1 0 से कट जाएगा, बचेगा कितना 10, तो घूम फिर के तो तुम्हारा आंसर वही आने वाला है, कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, ठीक है। चल अब तुम ये वाला क्वेश्चन चलो सॉल्व कर सकते हो, हाँ ये वाला कर सकते हो, या चलो एक काम करते हो एक और इजी करवा देती हूँ फिर वो वाले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -25 सेंटीमीटर। थिन लेंस बोल दिया तो समझ जाओ किसकी बात हो रही है, कॉनकेव लेंस की बात हो रही है। कॉनकेव लेंस है तो जाहिर सी बात है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, नेगेटिव ही होगी। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर? अरे भैया जब थिन लेंस बोल दिया, जब क्या बोलते हैं फोकल लेंथ बता दी कि नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है नेचर की क्या ही बात होगी बेटा, नेचर खराब हो गया क्या उसका? नहीं, वो होगा कॉनकेव लेंस, ठीक है। और पावर बोली गई है तो क्या करेंगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ कर देंगे। किस में दिए फोकल लेंथ, सेंटीमीटर में, तो मैं तो क्या करूँगी 100/f वाला तरीका अपनाऊंगी। 100 इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, माइनस लगाना नहीं भूलना है, -25 सेंटीमीटर। बेटा सवाल में कितना भी तुम्हें ज्ञान क्यों ना दिया गया हो, अगर तुमने उसको फॉर्मूला में ठीक से अप्लाई नहीं किया तो तुम्हारा आंसर भी सही नहीं आएगा, ठीक है। यदि थिन लेंस की बात हो रही है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, कॉनकेव लेंस है, तो जाहिर सी बात है उसकी पावर भी नेगेटिव में आनी ही चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, 5 × 2 = 20 का मतलब 5 × 4 = 20, ठीक है। तो पावर कितनी आ गई लेंस की, कॉनकेव लेंस की, थिन लेंस की -4 डायोप्टर। ना डायोप्टर लिखना भूलोगे, ना नेगेटिव साइन या जो भी रिस्पेक्टिव साइन है वो लगाना भूलोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगी बेटा अपने कॉनकेव लेंस की पावर -4 डायोप्टर। ईजी है, सब बरोबर? चलो तुम चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सिंस द फोकल लेंथ इज नेगेटिव, इट इज़ अ कॉनकेव लेंस, या आप उसका मतलब नेचर बताने के लिए बोला है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डाइवर्जिंग लेंस है, ख़त्म बात, ठीक है। चलो ओके, अब आ जाओ ये वाले सवाल के ऊपर, अब तुम ये कर सकते हो। एन एंट इज़ स्टैंडिंग 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, ओहो कॉनकेव लेंस है, ठीक है, और उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चींटी खड़ी है। तो यहाँ पर खड़ी है तुम्हारी चींटी, ठीक है, छोटी सी चींटी है, लेंस से कितना दूर है, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। इट्स इमेज इज ऑब्टेन एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड, व्हाट इज इट्स द पावर? ओके बहुत बढ़िया सवाल है। देखो ये आपका कॉनकेव लेंस है बेटा,
और इससे करीब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चींटी खड़ी हुई है। इसका मतलब यहां पर आपको क्या दिया हुआ है भाई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है ना बेटा। चींटी क्या है यहां पर, ऑब्जेक्ट है, और वो लेंस से कितने दूरी पर खड़ी हुई है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि यहां पर आपको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज ऑलवेज नेगेटिव। अब क्योंकि ये कॉनकेव लेंस है तो हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, सेम साइड पर बनेगी। ठीक है, कितने दूरी पर इमेज बन रही देखो आपको वो भी दिया हुआ है। लेंस से बेटा चींटी की इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऑब्जेक्ट है, चींटी कहाँ है, लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। उसकी जो इमेज बन रही है, जो कॉनकेव लेंस बना रहा है, वो बना रहा है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी आपके पास आ गया कितना, -10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, लेंस की पावर निकालनी है। तो बेटा पावर निकालने के लिए क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। फोकल लेंथ तुमको यहाँ पर खुद ही नहीं दी गई है, तो क्या करना पड़ेगा, लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी, और फिर पावर का फॉर्मूला लगा करके तुम्हारे पास क्या आएगी, इसकी वो पावर आएगी। तो दो चीजें करनी है, आ जाओ कर लेते हैं। पावर नहीं, लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, लेंस फॉर्मूला बोलता है भाई 1/v -1/u -1/f। दुनिया की सारी नेगेटिविटी कहाँ है, लेंस फॉर्मूला के अंदर है। ठीक है, तो 1/v -1/u -1/f। फॉर्मूला रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेट है मामला। बस हमें क्या करना है, साइन के साथ वैल्यूज पुट करनी है। 1/v की जगह पे क्या रख सकते हैं अपन, -1/10। ये नेगेटिव बेटा फॉर्मूले का नेगेटिव हो गया। 1/u की जगह पे अपन क्या रख सकते हैं, -1/20 -1/10। ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो -1/10 +1/20 -1/f। अब इसको सॉल्व कर दो बेटा, 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आ जाए। आप बोलोगे कि मैम 20 कर दो, मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम, -20 +20 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इतना जाए। आपने बोला कि मैम 10 कर दो, मैंने कहा ओके डन। तो +10 -1/f। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 20 में से 10 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 10। साइन लेंगे बड़े नंबर का, मतलब कि नेगेटिव बाय 10 -20 -1/f। क्या होगा, नीचे का 10 ऊपर के 10 से कट जाएगा, बचेगा कितना, 1/f -1/10। यानी कि फोकल लेंथ यहां पर कितनी आ गई है, -10 सेंटीमीटर आ गई फोकल लेंथ कि नहीं आ गई, यही तो निकालनी थी ना भाई। बेटा ये -1/10 क्या है, ये 1/f है, तुमको f निकालना, तो तुम क्या करोगे, उसको उल्टा कर दोगे, तो कितना आ जाएगा फोकल लेंथ, ओ नहीं 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 10 नहीं 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 20 वेरी सॉरी, ये मैंने 10 क्यों लिख दिया, आई एम रियली सॉरी बच्चों। 1/f यहाँ से कितना आ गया, 1/f यहाँ से आ गया -1/20, तो f कितना आ जाएगा, -20। आई एम सॉरी, पता नहीं क्या सोच करके जो है मैंने यहाँ पर लिख दिया था, बट अब ठीक है, मामला सेट है। तो अपने कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी आ गई है, -20 सेंटीमीटर, नॉट -10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे इसकी पावर। तो कैसे निकालेंगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ यहाँ पर नेगेटिव वो सेंटीमीटर में आई है, तो मैं ये वाला तरीका अपनाऊंगी। ठीक है, जिससे कि मैं अपनी फोकल लेंथ को सेंटीमीटर्स में ही लिख सकती हूँ डिनोमिनेटर में। तो पावर इज इक्वल्स टू 100/ कितनी आई है फोकल लेंथ, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, नीचे का एक जीरो ऊपर के एक जीरो से कट जाएगा, 2 5 का कितना होता है 10, तो बेटा ये लो, क्या ये लो, पावर आ गई तुम्हारे लेंस की -5 डायोप्टर। ये चाहिए थी, जिसको निकालने के लिए सबसे पहले लेंस फॉर्मूला लगाना पड़ा। ठीक है, कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हुए हमें फोकल लेंथ निकालनी पड़ी -20 सेंटीमीटर। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं थी, कुछ वो हो गया मेरा दिमाग में, कुछ 10 आ गया 10। ठीक है, एनीवेज, तो फोकल लेंथ आ गई कितनी, -20 सेंटीमीटर। फिर पावर का फॉर्मूला लगा दिया 100/f। क्यों लगाया ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि मुझे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही रखनी थी डिनोमिनेटर में, इसलिए। ठीक है, और फिर इसके बाद में कितनी आ गई सॉल्व करने पर, पावर -5 डायोप्टर। तुम देख सकते हो कि यहां पर जो मैंने कॉनकेव लेंस की पावर निकाली है, नेगेटिव जो भी साइन है वो साइन रखा है, और डायोप्टर भी साथ में लगाया है, डी नहीं भूलना है और साइन नहीं भूलना है। अगर तुम सिर्फ पावर इज इक्वल्स टू 5 लिख करके आ जाओगे ना बेटा, तो तुम्हारा आंसर के जो ऊपर तुम्हें वो मिलेगा ना नंबर मार्क, वो भी कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आप बोलोगे टीचर से कि मैम ये तो जो है ना 5 नंबर का सवाल था,
तो वो बोलेंगे कि बेटा जिस तरीके से तुमने नेगेटिव और पॉजिटिव और तुमने डायोप्टर खाया है ना, वैसे हमने क्या करा है, 5 में से हमने तुम्हारे 4 नंबर भी खा लिए हैं, ठीक है? तो कोई मत खाओ बेटा, जो है जैसे लिखा जाता है वैसे लिख करके आना। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं जवाब आ गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये उसी का पूरा सोल्यूशन है, हमने कर ही लिया है, अगर तुम्हें मेरी राइटिंग समझ में आए तो तुम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। एनीवेज चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सेना आगे बढ़ेगी, और अब हम बात करेंगे ये वाले क्वेश्चन के ऊपर। अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ निडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ओ गजब, बढ़िया, मजा आ गई। इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द नीडल, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। इतना प्यारा सवाल है ना ये। देखो सवाल कुछ इस तरीके का है कि ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये हो गई क्या उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया उसका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है? और क्या बोला गया है, लेंस क्या कर रहा है, रियल इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एक नीडल की, जो कि लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो मान लो कि ये क्या है, ये है नीडल जो लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है? इसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है लाइक दिस, बना दी हमने रियल इन्वर्टेड। कहाँ बनेगी बेटा, राइट हैंड साइड पे बनेगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी। आगे आपको क्या जानकारी दी हुई है कि इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द नीडल, इसका मतलब जो हाइट नीडल की है एग्जैक्टली उसी हाइट की यदि क्या बन रही है, उसकी इमेज बन रही है। हाइट यहां पर आपको दी तो नहीं है, चलो मान लो कि नीडल की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है? और उसकी जो इमेज बन रही है यदि उसकी हाइट भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो फिर बेटा इससे पहले कि हम आगे बढ़े तुम ही मुझे बता दो कि ये कॉन्वेक्स लेंस का कौन सा वाला केस है। तुमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस बहुत ही मल्टी टैलेंटेड होता है, वो डिमिनिश्ड एनलार्ज्ड और सेम साइज ये तीनों ही तरह की इमेजेस बना सकता है। तो यहां पर डिमिनिश्ड इमेज नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर एनलार्ज इमेज भी नहीं बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेम जैसा साइज है ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली सेम साइज की क्या बन रही है, इमेज बन रही है। तो बताओ कि ये कौन सा वाला केस हुआ कॉन्वेक्स लेंस का, कि जब ऑब्जेक्ट रखा होता है 2f1 पर तो उसकी इमेज बनती है 2f2 पर, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज की, यस और नो? यही तो होता है ना कि जब ऑब्जेक्ट अपन रखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के सामने 2f1 पर तो उसकी इमेज का बनती है 2f2 पर, रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज की। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा 2f1 पर, कहाँ रखा हुआ है, 2f1 पे रखा हुआ है। तो इमेज का बन रही है उसकी, थोड़ा दूर बना रहे हैं तो नजदीक ही बन गया है, 2f2 पे इमेज बन रही है, 2f1 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 2f2 पे उसकी इमेज बन रही है, ठीक है? इसका मतलब यह है कि तुम्हें यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है बेटा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि उनको पता है ना ये 2f1 क्या होता है, ये 2f1 बेटा कायदे से सेंटर ऑफ कर्वेचर ही होता है, और इसका जो डिस्टेंस होता है लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से वो किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। भाई तुमको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है ना सवाल में, कितना दिया है देखो 50 सेंटीमीटर, तुमको बताया था कि नीडल कहाँ रखी हुई लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब तुम्हें ये भी पता चल गया है कि क्योंकि सेम साइज की इमेज बन रही है, इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, नीडल कहाँ है, लेंस के 2f1 पर है, नीडल कहाँ है, 2f1 पर है, यानी कि 2f1 से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर, दैट इज 50 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। तो अगर तुम्हें रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो तुम फोकल लेंथ निकाल सकते हो, है ना? ये मैंने क्या कर दिया, हाँ जी, तुम निकाल सकते हो क्या बोलते हैं फोकल लेंथ, कैसे निकालोगे, आधा कर दो ना, 50/2 कर दो, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि तुम्हारे ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ना बेटा, इसकी फोकल लेंथ आ चुकी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। व्हाट इज फोकल लेंथ, तो प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है? तो ये है मान लो f1,
और यहाँ है F2, तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर। सिमिलरली F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का भी डिस्टेंस कितना होगा 25 सेंटीमीटर ही होगा। आई बात समझ में? तो बस हमें इतना दिया हुआ था कि भाई सेम साइज़ की इमेज बन रही है, तो उससे हमने बहुत कुछ यहाँ पर डिकोड कर लिया कि अगर सेम साइज़ की इमेज बन रही है इसका मतलब ये कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, 2F1 पर है, तो उसकी इमेज कहाँ बन रही है, 2F2 पे, रियल इन्वर्टेड और सेम साइज़ की। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको दिया हुआ था तो हमें ये समझ में आ गया कि 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, 50 सेंटीमीटर। इसका आधा कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, लेंस की फोकल लेंथ आ गई। तो F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी किसके बराबर हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है, वेयर इज न नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो हमने बोल दिया कि भैया नीडल कहाँ रखी हुई है, आप बोल सकते हो कि 2F1 पे रखी हुई है ना, 2F1 पे रखी हुई है। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस, तो पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/ फोकल लेंथ कर देंगे, 100/F, क्योंकि मैं फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ही रखूंगी। कितनी आई है बेटा फोकल लेंथ, 25 सेंटीमीटर आई है ना, तो 100/25 कर दो, कितना आ जाएगा 4, तो पावर आ जाएगी प्लस 4 डायोप्टर। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पावर भी पॉजिटिव में ही आएगी। ईजी था, तो सवाल बस इतना था कि बताओ नीडल कहाँ रखी हुई है, आपने बोला 2F1 पे रखी हुई है, और पावर कितनी आ गई लेंस की, तो प्लस 4 डायोप्टर, क्योंकि 2F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का कितना डिस्टेंस है, 50 सेंटीमीटर, आधा कर देंगे तो फोकल लेंथ आ जाएगी, फोकल लेंथ आ गई तो पावर निकालना कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, आ जाओ। ओके, टू थिन लेंसेज, अच्छा अब ये देखो पावर वाला कॉम्बिनेशन वाला आ गया है सवाल। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5 डायोप्टर एंड माइनस 2.5 डायोप्टर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट, फाइंड द पावर एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन। एक की पावर पॉजिटिव है तो मतलब वो कॉन्वेक्स लेंस होगा, दूसरे लेंस की पावर नेगेटिव है इसका मतलब क्या, कि वो कॉन्केव लेंस होगा। सवाल क्या है, इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालो और फोकल लेंथ निकालो। तो ये मान लो इसकी पावर है P1, इसकी पावर है P1 कितने के बराबर, प्लस 3.5 डायोप्टर के बराबर। इसकी पावर है P2 कितना, माइनस 2.5 डायोप्टर। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, P1 प्लस P2 करते हैं, इसकी पावर P1, इसकी P2, वैल्यू आपके सामने लिख दी है। अब कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला ये होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो प्लस 3.5 डायोप्टर प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस है, P2 नेगेटिव में है तो माइनस 2.5 डायोप्टर। ठीक है, इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो प्लस 3.5 डायोप्टर माइनस 2.5 डायोप्टर, मतलब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 3.5 में से 2.5 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपके कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ जाएगी, 1 डायोप्टर, पॉजिटिव या नेगेटिव बेटा, 3.5 और 2.5 में बड़ा नंबर कौन सा है, 3.5 ना, तो उसका साइन ही हम लेंगे, हमेशा बड़े नंबर का ही साइन लिया जाता है। तो ये आ गई क्या आपके क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन की पावर आ गई है। ठीक है, प्लस 1 डायोप्टर। और अब अगर आपको फोकल लेंथ, क्योंकि कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने के लिए भी बोला गया है, तो वो निकालने के लिए आप क्या करोगे, पावर इज इक्वल्स टू 1/ फोकल लेंथ होती है, तो फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1/ पावर भी अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/ प्लस 1 डायोप्टर कर देंगे, तो ये फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, प्लस 1 मीटर आ जाएगी, या आप इसको प्लस 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई, दो लेंसेज हैं, दोनों की अलग अलग पावर दी हुई थी, कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए क्या करा, ऐड कर दिया, कितना आ गया, प्लस 1 डायोप्टर। अब फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का, इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ निकालने के लिए यहाँ पर आपसे नहीं बोला गया, इंडिविजुअल उस इंडिविजुअल लेंसेज की फोकल लेंथ निकालने के लिए नहीं, आपसे कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ निकालने के लिए बोला गया, इसीलिए हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/F होता है, तो
फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन अपॉन पावर, अपन कर सकते हैं उल्टा कर दो, है ना, तो वन अपॉन पावर की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, प्लस वन डायोप्टर, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, वन बाय वन कितना होता है वन ना, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, प्लस वन मीटर, वन मीटर को सेंटीमीटर में लिख सकते हो, कितनी आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन की पावर आ जाएगी कितनी, प्लस वन डायोप्टर, और फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी, प्लस 100 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? चलो अब लो इसका फटाफट से एक शानदार सा स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी आगे बढ़े, ये देखो कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना होगा। ओके चलो बेटा आ जाओ अगला सवाल। अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आर प्लेस्ड इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, व्हाट इज द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑल्सो कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है -25 सेंटीमीटर। अब माइनस क्यों लिखा है बेटा पता होना चाहिए, क्योंकि कॉनकेव लेंस है फोकल लेंथ उसकी नेगेटिव ही होती है, और एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको दी हुई है +20 सेंटीमीटर, दोनों को कॉम्बिनेशन बना करके रखा हुआ है। अब आपको इस कॉम्बिनेशन की पावर निकालनी है। अगर आपको याद होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कुछ ऐसा ही एक वो बोला था करने के लिए, ठीक है, और मैंने वहाँ पर ब्लंडर क्या करते हैं बच्चे वो भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए बोलते हैं तो क्या करते हैं, फोकल लेंथ को जो है उठा करके ऐड कर देते हैं फिर पावर निकालते हैं, ऐसा नहीं करना है। दो लेंसेज यदि आपको दिए गए हैं और उन दोनों की आपको यू नो कॉम्बिनेशन की यदि पावर निकालने के लिए बोला जा रहा है, मतलब दो लेंसेज अगर आपको दिए हुए हैं दोनों की इंडिविजुअल जो फोकल लेंस यदि आपको वो दी हुई हैं और आपसे अगर उस कॉम्बिनेशन का पावर निकालने के लिए बोला जा रहा है तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले इंडिविजुअल लेंसेज की पावर निकालोगे और फिर कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए उन पावर्स को ऐड करोगे। जैसे कि मान लो कि ये जो कॉनकेव लेंस है इसकी पावर है P1 और इसकी कितनी है कॉन्वेक्स की P2, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे P1 P2 निकालोगे और फिर P1 P2 को ऐड करके जो है ना कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो निकालोगे। ठीक है आ जाओ, तो सबसे पहले अपन निकालते हैं क्या P1 यानी कि ये कॉनकेव लेंस की पावर, तो 1 अपॉन F1, इसको F1 बोल देते हैं, इसको अपन F2 बोल देते हैं। ठीक है तो P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन F1 कर देंगे। अब क्योंकि मुझे फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में ही रखना है तो मैं क्या करूँगी ऊपर 100 कर दूँगी। ठीक है तो P1 इज इक्वल्स टू 100 अपॉन, इसकी फोकल लेंथ कितनी है बेटा, साइन के साथ रखना, -25 सेंटीमीटर। ठीक है तो ये 4 हो जाएगा, 25 × 4 = 100 होता है, तो P1 कितनी आ गई बेटा, P1 आ गई -4 डायोप्टर। ये ज़रूरी है बेटा, अगर साइन नहीं लगाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं हर सवाल को सॉल्व करते करते कह रही हूँ कि पावर फोकल लेंथ जो भी है साइन ज़रूर से मेंशन करो और मेंशन करते ही रहो, ये नहीं कि शुरुआत में लगा करके छोड़ दिया, एहसान कर दिया टीचर के ऊपर कि आपने कहा था लगाने को तो लगा तो दिया, अरे तो उसको एंड तक लेकर के तो आओ बेटा। तो कॉनकेव लेंस की देखो फोकल लेंथ नेगेटिव में है तो पावर भी नेगेटिव में आनी चाहिए, कितनी आ गई -4 डायोप्टर। अब अपन ऐसे ही निकाल लेते हैं P2 100 अपॉन F2। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, +20 सेंटीमीटर रख दो और क्या, नीचे का 0 ऊपर के 1 0 से कट जाएगा, 2 × 5 कितना होता है 10, तो जो अपना कॉन्वेक्स लेंस है इसकी पावर कितनी आ गई P2 कितनी आ गया बेटा, +5 डायोप्टर। फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव में आनी थी। अब तुम निकालोगे कॉम्बिनेशन की पावर, तो P1 +P2 कर देना, P1 कितना आया -4 डायोप्टर, +P2 कितना आया +5 डायोप्टर, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 5 में से 4 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 1 डायोप्टर। साइन किसका लेंगे, बड़े नंबर का, 4 और 5 में कौन सा है बड़ा नंबर, 5, तो उसका आप साइन ले लोगे, यानी कि ये हो जाएगा पावर कितना, कॉम्बिनेशन की पावर कितनी आ गई, +1 डायोप्टर। तो इंडिविजुअल भले ही कॉम्बिनेशन में, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में जितने भी लेंसेज हैं उनकी इंडिविजुअल फोकल लेंस हैं उनकी इंडिविजुअल पावर निकालेंगे और फिर कॉम्बिनेशन की पावर निकालने के लिए सारी पावर्स को ऐड कर देंगे, P1 +P2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा -4 डायोप्टर +5 डायोप्टर, कितना आ जाएगा +1 डायोप्टर। ओके चल
और भी कुछ निकालना था क्या? ऑल्सो कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन. अच्छा, यहाँ पर जो फोकल लेंथ दी हुई है बेटा वो इंडिविजुअल लेंसेज की है, हमें कॉम्बिनेशन की वो निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी, मतलब कॉम्बिनेशन की पावर भी और कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ भी. तो क्या बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो तो अपन ने निकाल ही रही है, तो इसी से अपन क्या कर सकते हैं, फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं. तो एफ इज इक्वल्स टू वन अपॉन पी कर देते हैं. तो हाँ, वन अपॉन पी यानी कि वन बाय प्लस वन डायोप्टर, तो फोकल लेंथ आ जाएगी प्लस वन मीटर, या आप उसको लिख सकते हो प्लस 100 सेंटीमीटर भी. भैया आपने कॉम्बिनेशन की पावर निकाली ना, आप उसको फोकल लेंथ निकालने के लिए क्या करोगे, वन अपॉन पावर कर दो. कितनी आ जाएगी फोकल लेंथ, प्लस 1 मीटर, यानी कि आप बोल सकते हो कि प्लस 100 सेंटीमीटर. ओके डोकी, आगे बढ़े कि ना बढ़े, यहीं पर रहना है. ये देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है. ये क्या लिखा हुआ है, ये तो पावर आ जाएगी 1 डायोप्टर, ठीक है, और फोकल लेंथ आ जाएगी 1 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर, लाइक दिस, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं. An object of height 6 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens of focal length 5 centimeter. ठीक है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है 6 centimeter, पॉजिटिव में ही होगी वो, कॉन्केव लेंस है, फोकल लेंथ उसकी दी हुई है कितनी, -5 centimeter. Use lens formula to determine the position, size and nature of the image if the distance of the object from the lens. अच्छा, ये बेसिकली पावर के ऊपर नहीं है, बट कोई बात नहीं, स्फेरिकल लेंस के ऊपर तो है ना, तो अपन लगा ही लेते हैं. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर. इमेज के बारे में सब कुछ आपको पता करना है, इमेज का डिस्टेंस, इमेज की हाइट, इमेज का नेचर, एवरीथिंग. नेचर तो सॉल्व करने के पहले ही बता सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड. क्यों? क्योंकि कॉनकेव लेंस है. आ जाओ, लेंस फॉर्मूला लगा करके अपन क्या करते हैं, इमेज डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, ठीक है. फॉर्मूले को रीअरेंज करके लिख दिया है, 1/v इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u. 1/v तो निकालना ही है, 1/f की जगह पे अपन क्या रख देंगे, -1/5, ये फॉर्मूले का पॉजिटिव बेटा. 1/u की जगह पे अपन क्या रख देंगे, -1/10. अब इसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, -1/5 -1/10. 5 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाए, 2 कर दो, मैंने कहा ओके. 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000, मैंने कहा कि मैम 1 कर दो, मैंने कहा ओके. तो ये कितना आ गया बेटा, -3/10. अगर तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर देखो मैंने कॉमन फैक्टर लिया है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आता नहीं है, आता तो है, बट मैं करती नहीं, छोड़ो. हाँ, तो ये अपनी इमेज डिस्टेंस कितना आ गया बेटा, अच्छा 1/v कितना आया अभी, -3/10. उल्टा कर देंगे तो v कितना हो जाएगा, -10/3. तो -10/3 मतलब वही 3.333, है ना. तो इमेज डिस्टेंस कितना आ गया, -3.33 सेंटीमीटर, क्योंकि 10/3 आया है तो 3.33, और क्योंकि कॉनकेव लेंस है तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में ही आएगा, आ गया. ओके, अब अपन इमेज की हाइट की भी बात कर लेते हैं. कहाँ, यहाँ पे जगह नहीं, चलो यहाँ लिख देती हूँ. इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, मतलब वही मैग्निफिकेशन का अपन फॉर्मूला लगा देंगे, v/u, ठीक है. इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की मेरे हिसाब से 6 सेंटीमीटर दी हुई थी, ठीक है. इमेज डिस्टेंस जो है, अभी अपन ने 3.33 निकाला है, तो एक काम करो ना, निकालने के लिए आपने निकाल लिया, लेकिन क्योंकि अभी हमें इमेज की हाइट भी निकालनी है तो कुछ कैंसिल भी हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो इमेज डिस्टेंस है वो मैं कितना रख रही हूँ, फ्रैक्शन में रख रही हूँ, -10/3 रख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो कट सकता है इसलिए. तो -10/3, ये क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस आ गया. और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, आई गेस 5 था. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर था, मतलब -10/1. अरे भाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना. चलो अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर जाकर के बेटा उल्टा होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इमेज की हाइट बाय 6 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू -10/3 इंटू -1/10. देखो कटा के नहीं कटा, इसीलिए मैंने कहा था कि कैंसिल हो सकता है, तो ये 10 से ये 10 कट गया, ठीक है. और इस नेगेटिव से बधाई हो, ये वाला नेगेटिव भी कट जाएगा. अब 6 को यहाँ ले जाओ,
तो इमेज की हाइट कितनी हो जाएगी, 6/3, यानी कि 3×2 कितना होता है 6, तो 2 सेंटीमीटर आ गई कि नहीं आ गई। सिंपल था, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दिया, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू वी बाय यू। ठीक है, वी को हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में लिखा है, डेसिमल में ना लिख करके, क्योंकि वो कैलकुलेशन में कट सकता है और कटा है जैसे कि आपने देखा। और नीचे हमने क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -10/1 हमने लिख दिया। और कुछ इस तरीके से पूरे सॉल्व करने पर हमारा आंसर कितना आ गया है, 2 सेंटीमीटर। नेगेटिव नहीं आया, पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। इमेज की हाइट हमेशा कहाँ से नापेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से, इसीलिए इमेज की हाइट यहाँ पर क्या आई है, पॉजिटिव में आई है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो, इमेज डिस्टेंस आ गया है और इमेज की हाइट आ गई है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो वीडियो को पॉज करके बेटा स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आओ अगला सवाल। कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 12 मिलीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.20 मीटर फ्रॉम अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 0.30 मीटर्स एंड स्टेट द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। वैसे तो मेरा मन है कि ये मैं तुम्हें जो है होमवर्क में दे दूं, बट थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर देती हूँ तुम्हारे लिए। इमेज डिस्टेंस यहाँ पर तुम्हें निकालना है, ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए होमवर्क है आसान, बस थोड़ा सा यहाँ पर कन्वर्जन में तुम्हें हो सकता है कि दिक्कत आएगी, बट अगर दिमाग लगा करके कर लिया तो वो भी मुश्किल नहीं है। इमेज डिस्टेंस तुम्हें निकालना है, ऑब्जेक्ट की हाइट, अच्छा ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई कितनी, 12 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर को क्या करोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे, तो 10^-3 आ जाएगा वहां पे। एट अ डिस्टेंस ऑफ, अच्छा कॉनकेव लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, मीटर्स में दिया हुआ है, तो -20 मीटर्स। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, -0.30 मीटर्स। माइनस माइनस क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वैसे भी नेगेटिव होता है, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव में होगी। अब जो है आप क्या कर सकते हो, यहां से लेंस फॉर्मूला लगा करके 1/v यानी कि v की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। और फिर इसके बाद में जिस तरीके से अपन ने पिछले सवाल में इमेज की हाइट निकाली थी वैसे ही निकाल सकते हो। तो मुश्किल नहीं है सवाल, बस डेसिमल और ये कन्वर्जन्स का खेल है। अपने लेवल पर थोड़ा सा ट्राई करके देखना और फिर मुझे बताना कि आंसर कितना आएगा। तो आज के इस सेशन के लिए बस इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम सवालों को सॉल्व करेंगे, इन टेस्ट क्वेश्चंस, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जांपल्स जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, मतलब सॉल्व एग्जांपल्स, वो सब देखेंगे। तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।